गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स की, परमानेंट प्लांट्स की कटिंग हमने किया है आज, तो उसी का कटिंग मैं आज लगाऊंगी, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए पर्पल हार्ट वर्निंग जीव और बेबी सनरोज अजवाइन का, और ये कल मैं पॉन्सेटिया लाई थी उसकी कटिंग है। तो देखिए नीचे के सारे पत्तियों को हटा दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए सारे पत्तियों, नीचे के पत्तियों को हम रिमूव करके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे नीचे की पत्तियों को हमने हटा दिया है, ये देखिए। तो ये सब सारे के सारे परमानेंट प्लांट्स हैं और ये सब बहुत महंगे ही मिलते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए प्लूमेरिया चंपा, तब इसका सीजन आ रहा है, तो अभी ये टूट गया है तो मैं इसे भी लगा दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये फ्रेंड्स एलोवेरा में इसे ड्रिप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लगा लेते हैं, ये देखिए। ये देखिए, और अब इसमें फोल्ड करके लगा देंगे फ्रेंड्स। पहले एलोवेरा को डीप कर लेते हैं। और अब इसमें हम लगा देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये 150 तक का प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही महंगा मिलता है। तो मेरे पास एक रेड भी है, तो वो न्यू प्लांट है, तो उसे मैं इस बार उसकी भी कटिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए, और अब हम सबको एलोवेरा में डिप करके ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम स्टैंड कर देते हैं ताकि हमें लगाने में आसान रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसको हम इसमें सेंटर में बिल्कुल लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रो बैग हमने नीचे पत्तियों से तैयार किया है और ऊपर मिट्टी डाला है, तो इसे अब हम ले लेते हैं। रूटिंग हार्मोन के लिए हम एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए नोड एरिया, तो इसे हम इसमें सेंटर में बिल्कुल लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए बोगनविला है, तो इसे भी हम बस फटाफट इसमें लगाते जाएंगे। और ये अलमांडा है, सबको हम एक ही पॉट में लगा देंगे। ये देखिए फटाफट ढेर सारा कटिंग, ये देखिए अलमांडा। तो अलमांडा दो तरह के लिए है, एक येलो और एक मैरून। ये देखिए सबको हल्का हल्का दबा देंगे। ये देखिए ये नोड एरिया, देखिए फ्रेंड्स। अब ये सब है, तो ये बेबी सनरोज है, तो ये देखिए तो इसी में अभी हम दो चार को और लगा देंगे। ये देखिए
और इसको हल्के हाथों से दबा देंगे फ्रेंड्स। तो ये परमानेंट प्लांट बहुत ही महंगे सारे आते हैं, और कल मैं नर्सरी गई थी तो इतने सारे सब महंगे मिल रहे थे फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ही ढेर सारा लेके लगाऊंगी फ्रेंड्स। फालतू में इतने महंगे महंगे लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लांट हमारे लग गए और एक ही पॉट में हमने लगा दिया, और कुछ को इसमें भी लगा दिया। तो देखिए सारे प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर हम इतना सारा प्लांट लेके आते ना तो 1000 रुपये से कम में नहीं मिलता, 2000 भी हो सकता था। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमारा इतना सारा कटिंग तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने घर में ही ढेर सारा कटिंग को प्लांट्स को तैयार करें फ्रेंड्स। तो जनवरी का मंथ अब ख़त्म ही होने वाला है, तो फरवरी में आप ढेर सारे कटिंग को लगा लीजिए। मार्च तक आप ढेर सारे कटिंग को लगा सकते हैं। वैसे तो हम फ्रेंड साल भर ही कटिंग को लगाते रहते हैं, और इसको हम शेडी एरिया में रख देंगे। वैसे तो अभी कम ही धूप आ रहा है। तो देखिए कितना सारा प्लांट तैयार हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, गुलदाउदी की कटिंग जो हमने लगाया था, तो देखिए कितने अच्छे से लग गया है। तो इसकी भी मैं निकाल के अब दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कर दूंगी, ताकि अब ये जब सारे फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे तब ये खिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए कितने सारे इसमें भी, ये तो बीज से तैयार हुआ है, बहुत सारे ही तैयार हो गए हैं ये देखिए। तो इस तरीके से आप ढेर सारे कटिंग को लगाते रहें, तैयार करते रहें फ्रेंड्स। इधर भी देखिए गुलदाउदी का दो इसमें भी तैयार हो गया है, और इसमें भी देखिए इस छोटे से पॉट में इसमें भी तैयार हो गया गुलदाउदी। और ये नेस्टेशियम जो कल मैं लेके आई थी, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्मांडा की कटिंग को कर दिया है, और ये भी रेड अल्मांडा, और ये बोगनविला की कटिंग किया है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके ही कटिंग करें, नहीं तो एक साथ करेंगे तो हमारा गार्डन बहुत ही सोना लगेगा फ्रेंड्स। तो दो दो एक एक प्लांट की कटिंग कीजिए, ताकि जब इसमें पत्तियां आ जाएं तब तो दूसरे प्लांट की कटिंग कीजिए फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? और इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर आज हमने सुबह सुबह ही, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें हमने धनिया को लगाया है, और इसमें हमने पालक को लगाया है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं आज सुबह सुबह हमने कितना वर्क किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। वो जो दिख रहा है उसमें पालक, और इधर धनिया फ्रेंड्स। तो आज का मेरा यही वर्क था फ्रेंड्स, कुछ कटिंग को लगाया और कुछ सीड को भी लगाया, धनिया और पालक को फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और एक ये भी देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए एक ये भी लेके मैं आई थी कल, और ये कौन से किया लेके आई थी, और इधर मेरे खरगोश हैं ये देखिए, ये दोनों लोग धूप में बैठे हैं ये देखिए, और दो अंदर हैं ये देखिए। चलो गुड मॉर्निंग बोलो सभी को। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।